नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। मुर्मू के पक्ष में 121 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा असम में 22 क्रॉस वोट पड़े। 17 विपक्षी सांसद भी मुर्मू के साथ दिखे। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू के चेहरे के आधार पर बीआईपी ने विपक्षी एकता में बड़ी सेंधमारी की है। मुर्मू के पक्ष में 14 राज्यों के 121 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने का दावा किया जा रहा है। खास तौर पर उन राज्यों में क्रॉस वोटिंग ज्यादा हुई है जहाँ पर कांग्रेस सत्ता पक्ष या विपक्ष में है। इसके अलावा 17 सांसदों ने भी इस राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। 2022, 2023 और 2024 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस के लिए यह खतरे की घंटी है। दिलचस्प यह है कि मुर्मू की जीत के जश्न को जिस तरह से देश भर में भाजपा मना रही है, यह भी एक बड़ा राजनीतिक मैसेज है। असम में 6% आबादी आदिवासी समाज की है। राज्य की कई सीटों पर आदिवासी समाज का प्रभाव है। लगातार 2 टर्म से कांग्रेस यहां विपक्ष में है। विपक्ष के पास यहां 39 विधायक हैं, इसमें से 25 कांग्रेस के हैं, जबकि 22 विधायकों ने मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।